राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को हिंसक कहा है, झूठा कहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा अपमान पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुओं का कोई हो नहीं सकता। पता नहीं क्या कांग्रेस किसके इशारे पर चल रही है, कहाँ से कोई को प्रेरणा देने वाला है। पर तो ये सही बात कि चाणक्य ने कहा कि विदेशी महिला के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति या बेटा कोई भी देश का भला नहीं कर सकता, बल्कि देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और चाणक्य जी की जो बात है बिल्कुल सच हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक विदेशी महिला के पुत्र हैं, इसलिए वो लगातार देश के खिलाफ, देश राष्ट्रों के खिलाफ बोलते रहते। एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि जो हिंदू हैं वो मंदिर पर जाते हैं, वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, यानी हमारी बहनों का अपमान, हमारे भाइयों का अपमान। और अभी तो उन्होंने बिल्कुल गजब ही कर दिया कि हिंदू हिंसक हैं, झूठे हैं, ये कहकर पूरे हिंदू समाज का, हमारे साधु संतों का, हमारे गुरुजों का, हमारे आने वाली जनरेशन का हमारा घोर अपमान किया है, जिसको किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। किरोड़ी लाल, ये माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बता देंगे, एक आप में शिक्षकों के तबादले हो जाएंगे, दोबारा स्कूल खुल गए हैं, अभी तक तबादले नहीं हुए। तबादले जब करना प्रारंभ करेंगे आपको जानकारी दे देंगे, बता देंगे। क्योंकि हमेशा विधानसभा चलती है, उस बीच में कोई स्थानांतर नहीं होते। एक तृतीय श्रेणी के जो अध्यापक हैं वो लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं, कब तक तबादले? झूठ बात है, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भर्ती हुई थी तो एक प्रावधान था कि जिले के बाहर ट्रांसफर नहीं होते। आज भी नियम है, पहले भी नियम था, और इसीलिए उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे। फिर भी उनकी पीड़ा को समझते हुए मंत्रिमंडल विचार कर रहा है, जैसा भी निर्णय होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। एक हर सरकार का बड़ा मुद्दा रहता है तबादला, जानकारी देंगे कि आज से लागू कर। झुंझुनू डीओ ऑफिस राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, अध्यापक डीओ के खिलाफ मामला दर्ज करवा रहे हैं, डीओ अध्यापकों के खिलाफ। और नामांकन मेरी जानकारी में आज आया है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एक सरकार ने डेपुटेशन रद्द, एक जनवरी के पहले से डेप्यूटी जमे हुए हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं और उनको डेप्यूटेशन को निरस्त करेंगे। एक पोषण को लेकर जो इस तरह का लापरवाह अधिकारी, ऐसा भी एक्सपायर हुआ है, मैं भी बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पाउडर के दूध को पीते नहीं, उसके कारण से हमारा पाउडर बच जाता है। परंतु तो हम विचार कर रहे हैं कि इसका अल्टरनेट अच्छा क्या हो सकता है, मिलेट्स भी एक इसका अल्टरनेट हो सकता है, उस पर हमारे जो पोषण के एक्सपर्ट है वो विचार कर रहे हैं। हमने ये कहा था इस पर विचार करेंगे, ताकि उनका बहुत सारा 3-4 साल जो बेकार हो जाता है वो बेकार जाता है, तो इस पर हमारे एक्सपर्ट और हम सब उनका विचार कर रहे हैं, कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है। रीट एग्जाम कब होगी सर? जी नहीं, कांग्रेस ने पाप किया ना, जो कांग्रेस ने पाप किया है जी, उनको ठीक करने का बड़ा प्रयास है। सरकारी स्कूलों में नामांकन वर्दी के प्रयास तो होते हैं, मगर अध्यापकों की उदासीनता के चलते नामांकन वर्दी नहीं हो पाती है। निजी स्कूलों के गुणवत्ता में उनके पास संसाधन में भी इजाफा है, फिर भी नामांकन वर्दी नहीं हो पा रही है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें 0 से 5 तक के नामांकन है। देखो उसके कई कारण हैं, एक तो कई जगह मैंने देखा है कि 200 मीटर की दूरी पर विद्यालय खोल दी, इसकी जरूरत नहीं थी, सस्ती लोग तो वहां तो नहीं बढ़ सकते। और धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, लगातार सब माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाए, इसलिए कम से कम अब नई भर्ती होती जो पैदा होते हैं उस लाइफ हो जाते हैं उम्र के हिसाब से, उसमें जरूर वर्दी होती है, वो तो जरूर वर्दी होती है, लेकिन जैसा हम सोचते थे कि जो लोग अनपढ़ रह गए उनको भी ढूंढ ढूंढ के लाए, वो वृद्धि कम होती है, क्योंकि कम लोग रह गए, सब माँ बाप जागरूक हो गए कि अपने बच्चों को पढ़ा। क्या शर्मी करेंगे और जो जबरदस्ती डिमर्ज करते हैं उनको डिमर्ज भी करेंगे, जो सरकार के नियम बने हुए हैं कितने कितनी दूरी पर कितने बच्चों पर विद्यालय होना चाहिए उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। एक अंग्रेजी बंद करने की, किसने कहा
अंग्रेजी विद्यालय खोले, एक बेवकूफ का नाम बता दो जिसने ये कहा खुलाओ एक विद्यालय, एक विद्यालय बता दो अंग्रेजी खुलाओ। इन्होंने नाम बदला है, एक विद्यालय नहीं खोला, न जिसके लिए कमरा बनाया, न जिसके लिए अध्यापक लाए, और एक बोर्ड लटका दिया अंग्रेजी विद्यालय हो गया। अंग्रेजी विद्यालय वैसे हो जाते हैं क्या? ये जनता को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र रचा था कांग्रेस ने, जिसमें वो विफल हो गए। इसमें कुछ बदलाव होगा या सही तरीके से? हम इसकी हम टीम बना करके एक एक्सपर्ट से बता रहे हैं, जो भी छात्रों के हित में होगा वो करेंगे। मंत्री जी, आपने मोबाइल वाला इनसे कहा, उस दिन से हो रहा है सर, झुंझुनू में पिछले दिनों टेंट लगने से सरकारी स्कूल में बच्चे की मौत हुई है, जांच समिति गठित कर दी गई, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो क्या जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। देखो सुन लो मेरी बात, 97.3% विद्यालय ऐसे हैं जो 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक फीस लेते हैं, 2.7 विद्यालय ऐसे हैं जो ज्यादा फीस लेते हैं, लेकिन उसका एक कारण भी है कि उन्होंने उस पर काफी इन्वेस्टमेंट किया है। पर हम बीच का रास्ता निकालने की सोच रहे हैं कि अभिभावक और जो संचालक है वो मिलकर के बैठ कर एक निश्चित फीस तय करें, ताकि किसी को भी नुकसान न हो, विद्यार्थी में ज्यादा बोझ न हो, लेकिन जो विद्यालय चल रहे हैं वो उनको भी परेशानी ना हो। इसलिए मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 97.3% विद्यालय तो केवल अपना खर्चा भी मुश्किल से चला पा रहे हैं, और वो जो विद्यालय है वो हमारे 85 लाख